जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त चिनु जी और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ए टू जेड आओ सीखे में। अगर आप भी चाहते हैं कि आप लोगों को भी इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर में जो ये आइकन होता है फोल्डर का लोगो होता है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं और उसमें अपना फोटो कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी चीज सीखने को मिल सकती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। तो चलते हैं, अब इस पे कर लेते हैं। फोल्डर पे राइट क्लिक करके यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना होता है, उसके बाद आपको करना होता है कस्टमाइज पे क्लिक, उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा वो चेंज आइकन का, और चेंज आइकन के बाद आपके पास इतना बाय डिफॉल्ट आपके पास इतना सारा आइकन्स मिलता है। तो पहले हम ये चेंज करके आपको दिखाते हैं। अगर हम कोई भी चेंज लेते हैं जैसे कि ये की का है और लोगो, और इसको हम चेंज ओके करके उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे और ओके कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आरटीपीएस वाला जो हम क्लिक किए हुए थे ये की में बदल चुका है। अब इसको हम फिर से इसको रिसेट कर लेते हैं, इसमें अपना फोटो लगाएंगे कैसे वो हम बताते हैं। इस पर करेंगे राइट क्लिक, उसके बाद फिर कस्टमाइज में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे चेंज आइकन्स में और यहाँ पर रिसेट डिफॉल्ट कर देंगे, उसके बाद फिर से हम अप्लाई करेंगे और ओके कर लेंगे। ये देखिए फिर से जो मेरा था ये आरटीपीएस वाला वो नॉर्मल हो गया। अब इसमें हम फोटो कैसे लगाएंगे अपना, तो देखिए मेरे पास एक फोटो है पहले से, ये मेरा फोटो है। तो इसको अब हम कैसे लगाने वाले हैं, इसको कंप्यूटर ये फोल्डर आइकन कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको कर लेना है यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, तो ये जो फोटो दिख रहा है फोटो पे आपको कर लेना होता है, एडिट का ऑप्शन है यहाँ पे दिख जाएगा राइट क्लिक करने के बाद। राइट क्लिक जब भी करेंगे आप अपने माउस का बटन जो होता है राइट क्लिक का वो करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ से दिख जाएगा एडिट का ऑप्शन, या फिर आप यहाँ से ओपन विथ में जाके और पेंट ब्रश में जा सकते हैं। ठीक है, ये दोनों करने के बाद आपका पेंट ब्रश में खुलने वाला है। तो यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद आप देख लीजिए ये फोटो है। अब इसको हमको कैसे सेव करना होता है, ठीक है, कोशिश करते हैं हम कि इसको क्रॉप कैसे कर लेते हैं। तो कम से कम वर्गाकार हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं यहां से क्रॉप, क्रॉप करने के बाद ये छोटा हो गया। अब इसको हमको सेव करना होता है, तो यहाँ पे फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद सेव में, सेव इसके बाद यह है अदर फॉर्मेट्स लिखना होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मेन यही है, ये आपका नाम हो गया, और ये जो है आपका सेव एज टाइप जो है वो आपको करना है यहाँ पे 24 बिट, बीट मैप करके, और यहाँ पे जो होगा ये आपको नीचे में रखना है सेव एज टाइप में। और यहाँ पे आपको फोल्डर नेम कुछ भी रहे यहाँ पे आपको करना होता है .ico, ये नेम आपको डालना होगा, उसके बाद ये आपका आइकन बन जाएगा। अब यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ पे लोकेशन जो है सेव का लोकेशन ये हम डेस्कटॉप किए हुए हैं तो डेस्कटॉप में ही सेव होगा। अब यहाँ पे हम ओके कर लेते हैं, ओके करने के बाद अब इसको कर लेते हैं मिनिमाइज। मिनिमाइज करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है, तो ये जो दिख रहा है यहाँ पे इसको हम पहले हाइड कर लेते हैं, ये दिख रहा है, ये है लोगो। अब इसको हमको कैसे इसको सेट करना है, तो चलते हैं फिर से यहाँ पे करते हैं राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद आपको प्रॉपर्टीज में जाना है, फिर से कस्टमाइज चेंज आइकन्स, और यहाँ से कर लेना होता है ब्राउज। ब्राउज करने के बाद जो आपका डेस्कटॉप है डेस्कटॉप पे ही सेव किया गया था, तो आप डेस्कटॉप पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए मेरा फोटो का लोगो दिख रहा है, इस पर ओके कर लेंगे, और इस पर ओके करने के बाद यहाँ पे अप्लाई करेंगे और ये ओके करेंगे। अब यहाँ पे जो मेरा है आरटीपीएस में ये मेरा नाम दिखेगा, आप देख लेते हैं अगर थोड़ा सा टाइम लगा रहा है तो इसको कर लेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद ये देखिए मेरा फोटो लग चुका है। इसी तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताते रहिएगा, और जो भी कुछ अगर आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम इसके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।